मेरी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रही है. इट्स बिन वन ऑफ अ काइंड. एंड 24 घंटे बिग बॉस के घर में आपको उस घर में रहने के लिए एक एक मिनट फाइट करना पड़ता है. जो 7 हफ्ते मैंने बिताए हैं घर में वो बहुत उतार और चढ़ाव दोनों के साथ बिताए हैं मैंने. काफ़ी हाई मोमेंट्स रहे हैं, काफ़ी लो मोमेंट्स रहे हैं, मगर ओवरऑल आई थिंक ये मेरे लाइफ का वन ऑफ माय मोस्ट स्पेशल एंड बेस्ट जर्नीज अब तक मैं मानता हूँ. तो जान, बिग बॉस के बाद कई सारे सेलिब्रिटीज की जिंदगी बदल गई, कई कई सारे लोगों को हाइप मिला अपने करियर में। आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी कितना बदलने वाली है बिग बॉस के बाद? आई थिंक मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल गई है ऑलरेडी, बिकॉज़ काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें मैंने पाई है जो शायद आम जिंदगी में मुझे नहीं नसीब होती. जैसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैंने सलमान सर से बात की पर्सनली. मैंने सलमान सर के साथ इंटरेक्ट किया एंड आई थिंक वो एक बहुत बड़ा हाई पॉइंट है मेरे बिग बॉस जर्नी का. एंड सलमान सर ने मुझे उनके उनसे आकर मिलने को भी कहा, जो कि मेरे लिए किसी अप्रिशिएटेड यू। ही अप्रिशिएटेड मी एंड ही टोल्ड मी टू कम एंड मीट हिम, जो कि मेरे लिए ट्रॉफी से कम नहीं है ऑनेस्टली, मैं बता रहा हूँ आपको सच. एंड उसके बाद मेरी एक और चीज़ जो मुझे, जो आप हाइप की बात कर रहे हैं, मेरी आवाज़ इतने लोगों तक पहुँची इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बिकॉज ऑफकोर्स मेरे करियर में बहुत ही ज़्यादा एक फ़र्क आया है थैंक्स टू बिग बॉस. इस शो ने जो मुझे दिया है वो आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल, बिकॉज इतने लोग, इतने फैंस, इतना प्यार और इतनी ब्लेसिंग्स मुझे बिग बॉस के बाद ही मिली है. सो डेफिनेटली मेरी जिंदगी चेंज हुई है एंड आगे भी मैं आशा करता हूँ अभी बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने बाकी है. आई मस्ट से जान, आपकी आवाज बहुत ही प्यारी और ब्यूटीफुल है। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू, दैट्स वेरी स्वीट. जान, जब आप बिग बॉस 14 के हाउस के अंदर एंटर कर रहे थे तो आपकी दोस्त निक्की तंबोली बनी थी। दोस्ती काफी अच्छी चल रही थी, लाइकिंग भी बड़ी, लेकिन फिर बीच में कुछ हो गया जिसके चलते डिफरेंसेस आ गए। आपसे पर्सनली जानना चाहेंगे, आप दोनों का क्या बॉन्ड था बिग बॉस हाउस के अंदर? बिकॉज 1 घंटे का हम लोग एपिसोड देखते तो उससे कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि कौन किसके साथ क्या बॉन्ड शेयर करता है। हाँ सॉरी. तो निकी वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. निकी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी बिग बॉस के घर में. शुरुआत में तो हमें, हमारी काफ़ी बॉन्डिंग हुई. काफ़ी लोगों को ये लगा कि हम लोग के बीच में कुछ लाइकिंग है एंड एवरीथिंग, बट दैट वॉज इन ट्रू. देर वॉज अ फॉन्डनेस क्योंकि हम सब एक ही घर में, यू नो, 24 घंटे रहते हैं एंड हम उठते बैठते हैं एंड उसलिए एक दोस्तों के लिए, यू नो, एक अपना स्पेशल फॉन्डनेस जो हो जाता है, ज़्यादा वक्त उनके साथ बिताते, बिकॉज बाकी दूसरे लोगों के साथ आपकी बनती नहीं है शायद. एंड आई थिंक निकी, निशांत, दे वर द फर्स्ट फ्रेंड्स इन द हाउस मेरे लिए. निशांत तो, खैर, निशांत तो स्टेज से ही मेरा दोस्त था एंड उसके बाद निकी बनी. निकी और मेरी इक्वेशन काफ़ी अच्छी थी जब तक हाल ही में, दो आई थिंक 2 वीक्स, 2 2 1/2 वीक्स अगो एक वो इंसिडेंट हुआ जिसके चलते मुझे नहीं लगा कि ये दोस्ती आगे बढ़ पाएगी, बिकॉज बहुत ही एक गंदी बात निकी ने कह दी एंड बहुत ही लो लेवल पर उन्होंने हमारे फ्रेंडशिप को ला दिया. उसके बाद से मुझे निकी पर भरोसा उठ गया एंड आई थिंक वो दोस्ती कभी घर में ही थी, तो आई डोंट थिंक बाहर कुछ ऐसा हो पाएगा, बिकॉज मैं ऑनेस्टली निकी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता. एंड अगर कोई नेशनल टेलीविजन पर इतनी चीप और इतनी डर्टी बात इतने आसानी से कह दे जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स ऑफ फुटेज टाइम और मे बी अटेंशन, देन ऐसे इंसान से आई थिंक दूर रहना मेरे इमेज और मेरे करियर के लिए बहुत ही बेटर रहेगा एंड मेरे पर्सनल मेंटल पीस के लिए भी बहुत बेटर रहेगा. सो आई डोंट थिंक देल बी अ फ्रेंडशिप आउटसाइड द हाउस. जो भी था घर में था अच्छा था एंड आई थिंक वहीं तक रहे तो बेहतर हुआ. बट जान, आपके एविक्शन के बाद निक्की जो है वो काफी इमोशनल हो गई, काफी रोई, और उसने कविता को ये कहा था कि मैंने जान को समझने में गलती कर दी, लोगों के इन्फ्लुएंस में आके, और मैं
घर के अंदर तो नहीं, लेकिन मैं घर के बाहर जाके जरूर जान से मिलूँ। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आप कह रहे थे कि घर के बाहर तो ये दोस्ती जो है वो बरकरार। मैंने देखा एक्चुअली आपने जो बात की, आई सॉ द एपिसोड एंड ऑनेस्टली एक इंसान का जब ट्रस्ट आप तोड़ देते हो तो उनके कोई भी एक्शंस पर आपको वापस भरोसा करना बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे काफ़ी बार ये चीज़ें पहले हो चुकी है बिग बॉस के घर के अंदर एंड काफ़ी बार निकी ने रोकर ये चीज़ों के लिए अपोलोजाइज भी किया है एंड फिर उन्होंने वही चीज़ें दोहराई है जिनके लिए उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी है। सो आई थिंक दैट फ्रेंडशिप एंड वो उनका उनके जो फीलिंग्स हैं उनको मैं फुल रिस्पेक्ट करता हूँ, बट फ्रॉम माई एंड आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा, बिकॉज मुझे जो देखना था वो मैं देख चुका, मुझे जो समझना था वो मैं समझ चुका एंड आगे चल के फिर मैं वो गलती दोबारा करूँ तो ये मेरी और मेरी ही सिर्फ यू नो ओनली आई कैन बी ब्लेम्ड। सो आई वुडन्ट वॉन्ट टू मेक द सेम मिस्टेक ट्वाइस एंड जहाँ तक दोस्ती थी ठीक थी अच्छी थी, बट आई डोंट थिंक घर के बाहर ऐसा कुछ आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज जैसा मैंने आपको कहा अगर एक इंसान कुछ ही पल ऑफ फेम, चंद मिनटों के फेम के लिए या यू नो फुटेज के लिए अगर इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से अगर उसको यू नो सबके सामने लाकर रख दे तो आई थिंक वो इंसान कुछ भी कर सकते हैं एंड आई वुडन्ट वॉन्ट टू ट्रस्ट समवन लाइक निकी एवर अगेन। आप जानना चाहेंगे कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत देरी कर दी अनिकी को समझने के लिए, क्योंकि घर के कंटेस्टेंट भी कई बार आपको जा सकते हैं, आपको समझाया, रुकीना ने आपको समझाया, यहाँ तक कि अली ने भी आके समझाया। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपने बिग बॉस हाउस के अंदर काफी देरी कर दी थी अनिकी को समझने के लिए? अली ने सबने मुझे समझाया एक्चुअली जैसा आपने बताया, लेकिन वही है कि दोस्ती में यू नो एक चीज़ काफ़ी बार सुनने को मिलती है इस घर में एंड दैट इज़ कि दोस्ती में स्टैंड लो, दोस्ती में स्टैंड लो। मैं अपने दोस्त के लिए खड़ा था, मुझे ये बात की समझ नहीं थी कि वो मेरे पीठ पीछे क्या क्या बातें कर रही है या हो रही है, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं पीछे पीठ पीछे बुराई एंड ऑल मैंने ज़्यादा गेम में करी नहीं है, आई डोंट थिंक आप लोग ने देखा होगा, बिकॉज वो मेरी आदत है नहीं। मैं पीठ पीछे लोगों के बात करना या दोगलापन एंड पॉलिटिकल गेम खेलना, डर्टी गेम खेलना, ये सब मुझे आता नहीं है एक्चुअली एंड मैं उतना ही दोस्त के लिए करता था जितना मैं एक्सपेक्ट करता था कि यू नो मैं जैसा इंसान हूँ मैं सब में वैसे ही इंसान देखता था। आई डिडंट थिंक कि यू नो दोस्त बोलकर आप अगर कुछ ऐसे बैक बिचिंग करो या यू नो पीठ पीछे बात करो, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम एनी वन ऑफ माई फ्रेंड्स, बिकॉज मैं वैसा हूँ नहीं, तो मुझे मैं जैसा हूँ मुझे वैसे लगे कि यू नो मेरे दोस्त भी वैसे ही होंगे, मगर ये सच नहीं था। इट वॉज द मोस्ट रॉन्ग इमेज दैट आई हैड एंड निकी को लेट डेफिनेटली मैंने समझने में कर दी, बिकॉज वो मेरी दोस्त थी, शी वॉज अ गुड फ्रेंड। अब बाहर जो दिखाया गया है उसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है घर में एंड उन कारणों से आई थिंक निकी को मैं अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता था, बट अब बाहर आने के बाद जो एपिसोड्स मैंने देखे, कुछ एपिसोड्स मैंने देखे, मैंने सारे एक्चुअली अब तक देखे नहीं है, जो जो एपिसोड्स मैंने देख पाया हूँ मैं उनमें मुझे काफ़ी एक अलग चीज़ देखने को मिल रही है, जहाँ पर आई कैन हियर सम वेरी वेरी डर्टी लैंग्वेज बींग यूज फॉर मी बाय निकी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे बहुत ही दुख एंड बहुत ज़्यादा यू नो डिसगस्टिंग फील करा रही है, बिकॉज मैंने जिनको अपना दोस्त माना उन्होंने मेरे पीठ पीछे काफ़ी सारी बातें करी है मेरे बारे में एंड आई थिंक उस रीज़न से आई वुड अग्री विथ यू कि हाँ मैंने निकी को पहचाने में देरी कर दी, मगर जब मेरे मैंने उनको पहचान ही लिया फाइनली तो आई थिंक उसके बाद इट वॉज प्रेटी क्लियर कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, कैसा अपना करना है। सो आई एम हैप्पी एटलीस्ट 2 हफ्ते तो मैं अपना गेम दिखा पाया सबको। आपने जो भी दिखाया लोगों ने पसंद किया, लाइक योर स्वीट नेचर, योर हम्बल नेचर, सभी को काफी पसंद आया, आई मस्ट से दैट। थैंक यू सो मच। ओके जान, निकी के साथ साथ निशांत भी आपके कई काफी अच्छे दोस्त बने थे बिग बॉस की शुरुआत की कौन सीजन में। निशांत
विक्की के साथ निशान से आपके बहुत अच्छे दोस्त बने थे शुरुआत से ही, लेकिन निशान भी काफी डिसअपॉइंटेड हुए थे जब आपने उनको रेड जोन में भेज दिया था। आपको क्या लगता है विक्की कहीं ना कहीं रीजन की निशान और आपके बीच में डिफरेंसेस जो आए थे उसमें कहीं ना कहीं विक्की कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो सकती है? I don't think निकी actually निकी एक अगर निकी ने एक जगह you know आने की कोशिश की और वो नाकामयाब रही है तो वो है निशांत और मेरे बीच। उन्होंने काफ़ी बार ट्राई किया होगा बिकॉज जो एपिसोड मैं देख रहा हूँ उनमें मैंने देखा है कि यू नो देर हैव बिन अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन शी सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मी जो ऐसे दिखाया गया है कि मैं हाँ मैं वो चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, मगर ऐसा नहीं है। आई थिंक निशांत ओनली वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर हैपेंड मेरे और निशांत के बीच में, बिकॉज कैप्टनसी के टास्क के दौरान उन्होंने वो मेरे लिए खेल रहे थे, मैं रेड जोन में था एंड मुझे पता था कि निशांत की फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा मैं हूँ बिकॉज मेरी भी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा निशांत थी एंड जितने बार मुझे मौका मिला है मैंने ये बात सामने यू नो दिखाई है, मैं इस बात पर खरा उतरा हूँ, चाहे वो कैप्टनसी का टास्क हो या कोई भी तरीके का यू नो मौका हो मेरी दोस्ती को प्रूव करने का निशांत के साथ। बट जब उनकी बारी आई तो उन्होंने बहुत इजीली गिव अप कर दिया कैप्टनसी के टास्क में, उन्होंने अपना बैग दे दिया एंड वो मुझे बहुत पर्सनली बुरा लगा बिकॉज घर में एजाज भाई की फर्स्ट प्रायोरिटी मैं नहीं था, ना ही रुबीना, ना ही अभिनव, ना ही कविता, बट निशांत की फर्स्ट प्रायोरिटी था मैं एंड जब मेरे ही कैंडिडेट ने इतने ईजीली गिव अप कर दिया वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी एंड उसके बाद जो उन्होंने उसके बाद जो कदम उठाए वो मुझे और भी ज़्यादा बुरे लगे। उन्होंने जो ऑफर्स एंड जो प्लानिंग मेरे साथ की वही सेम चीज़ें उन्होंने जाकर राहुल के साथ भी की एंड अगर आप दोस्ती का नारा लगाए बैठे हो सच्चे दोस्त बनना चाहते हो तो आई डोंट थिंक आप वही सब चीज़ें जाके किसी और को भी कसम खा के ऑफर करोगे जो आपने मुझे बताई। दैट इज़ समथिंग दैट आई फेल्ट रियली बैड अबाउट एंड जो थर्ड चीज़ जिसकी वजह से मेरी और निशांत की दोस्ती मेनली यू नो टूट गई वॉज जो उन्होंने डिसीशन लिया मुझसे नहीं बात करने का। उनको ये लगा कि मैंने निक्की के बातों में आकर कुछ किया, आई डेंट थिंक ही रिस्पेक्टेड आर फ्रेंडशिप इनफ कि वो ये बात को एक्नॉलेज करे कि शायद वो डिसीशन मैंने अपने आप से मेरा निजी पर्सनल डिसीशन था वो टू सेव एजाज भाई एंड नॉट टेक हिज बैग बिकॉज मेरा एक बहुत अच्छा रिलेशन है एजाज भाई से एंड since Nishant was the second one, Nishant was actually the first one जो captaincy के race में था मेरे लिए priority, but Nishant के जाने के बाद मैं अभिनव भाई पे trust नहीं करता and neither do I trust Rubina, जो भी बाकी उधर candidates थे उसमें सबसे ज़्यादा trust मेरा था इजाज़ भाई के लिए and Nishant ने ये deal मुझे दी थी कि अभिनव को अगर हम बचाए तो अभिनव आपको first निकालेगा, मुझे उस उन पर भरोसा नहीं था and I didn't think कि गेम के चलते अपने पर्सनल रिलेशंस को खराब निशांत ने ये बात मान लिया कि ये जो डिसीजन था मेरा ये निकी से इन्फ्लुएंस था तो उन्होंने मेरे साथ बात करना बंद कर दिया। एंड अगर आप अपने आप को मेरा दोस्त बोलते हो तो आपको पता होना चाहिए रेड जोन में कितना स्ट्रेस होता है, हमेशा हमें एलिमिनेशन का डर रहता है क्योंकि वो जो यू नो एलिमिनेशन का जो एक डेंजर रहता है वो हर रेड जोन के सदस्य पे 24 घंटे रहता है एंड उसके बाद रेड जोन इतना छोटा एक जगह है वहाँ पर इतनी असुविधाएं यू नो बिग बॉस बना कर रखी सो दैट यू कैन फील द प्रेशर ऑफ द रेड जोन। उसके बीच निशांत ने जो मेरा इकलौता यू नो दोस्त सहारा था उसने मेरे साथ बात करना बंद कर दिया विच आई फेल्ट वेरी बैड अबाउट एंड दो दिन तक उन्होंने मेरे साथ ना बात की, ना उन्होंने मेरा चेहरा देखा, ना उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन भी की कि तूने जो किया वो क्यों किया, उन्होंने ना ही मेरे से आके ये बात पूछी, उन्होंने जस्ट एक अजम्पशन बना लिया कि हाँ इसके डिसीजंस निकी के इन्फ्लुएंस थे। अगर वो मुझसे आकर पूछ के क्लियर क्लैरिफाई करके अगर मेरे साथ बात नहीं करते तो मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, बट क्योंकि उन्होंने ये डिसीजंस लिए उस लिए मैंने ये डिसीजन लिया कि आई थिंक आई वांटेड टू सेंड हिम टू द रेड जोन बिकॉज मुझे दोस्ती में वो बहुत सदमा लगा जो ने किया एंड आई वॉन्टेड टू टॉक टू हिम बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक टू मी एंड जब मैंने काफ़ी बार कोशिश की उन्होंने मुझे इग्नोर किया तो उनसे बात करने के लिए अगर मुझे उनको रेड जोन भेजना पड़े आई डोंट थिंक आई डिड एनीथिंग रॉन्ग बिकॉज
अल्टीमेट जो वोटिंग आउट का डिसीजन था उसमें 8 में से 7 लोगों ने निशांत का नाम लिया है, एंड जिनको वो अपना दोस्त बोलता है या जिनको वो अपना दोस्त मानता है उन्होंने भी उसके खिलाफ वोट किया, ना कि सिर्फ मैंने. सो आई थिंक निशांत गेटिंग आउट ऑफ द हाउस वॉज नॉट ऑन मी, इट वॉज ऑन एवरीबडी हु वोटेड अगेंस्ट हिम. जहाँ आप निशांत से अपसेट हो गए थे टास्क के चलते, वहीं हमने हाल ही में देखा था कि आप एजाज खान से भी काफी नाराज हो गए थे जिस तरीके से उन्होंने टास्क को इनकम्प्लीट छोड़ दिया था और उनके बॉक्स जो है वो उठा दिए थे। लेकिन आपकी मम्मा से भी हमने बात की, उन्होंने भी यही कहा था कि शायद जान को समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें वोट जो है अली ने किया है, ना ही कि एजाज ने। एजाज ने कहीं ना कहीं आपको कई बार प्रोटेक्ट किया है, रेड जोन से बाहर निकाला है। अभी भी आप समझते हैं कि एजाज द रीजन जिसके चलते आप आज घर से बेघर हैं? मेरा जो फाइट था एजाज भाई के साथ वो इसलिए नहीं था कि उन्होंने मुझे यू नो प्रोटेक्ट नहीं किया एंड ऑल. दैट वाज द अल्टीमेट जो डिसीजन आने वाला था वो था वो. बट मेरा प्रॉब्लम एजाज भाई से ये था कि उन्होंने इतने इजीली एक टास्क गिव अप कर दिया जिस टास्क में आई थिंक पवित्रा क्लियरली जीतती. बिकॉज आई थिंक दैट व्हेन इट कम्स टू एंड्योरेंस, व्हेन इट कम्स टू यू नो आप कितना सहन कर सकते हैं, तो आई थिंक पवित्रा ने बहुत ज़्यादा बार प्रूव कर दिया है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग एक कंटेंडर है. उन्होंने स्कूपर वाले टास्क में कंफर्म सदस्य की जो इम्यूनिटी होती है वो हासिल की है, उन पर बहुत अत्याचार किया गया था लेकिन उन्होंने वो सब सहा. तो आई थिंक पवित्रा शुड हैव गॉटन अ फाइटिंग चांस जो उन्हें नहीं मिला, एंड इस बात के लिए उन्होंने भी बहुत यू नो आवाजें उठाई कि यार मुझे कोई खेलने ही नहीं दिया, किसी ने मुझे पहले ही उठा दिया, अगर यू नो आई वुड हैव बीन देयर आई वुड हैव वन द टास्क. उन्होंने सामने से बहुत बार बोला ये बात. जो बात मुझे बहुत बुरी लगी वो ये थी कि एजाज भाई हर टास्क में इतना जुनून दिखाते हैं कि अक्सर लोग उनके जुनून को अग्रेशन बुलाते हैं. वो इंसान जो इतना मेहनती और इतना ज़्यादा यू नो पैशन के साथ अपने टास्क करता है, उनके तरफ से ये स्टेप बिल्कुल ही मुझे अच्छा नहीं लगा, इतने इजीली गिव अप करना. एंड दूसरा रीज़न जिसके लिए मैं बहुत ही इरिटेटेड था एजाज भाई के साथ वॉज कि जब मेरी दोस्ती दिखाने की बारी आई तब मैंने बहुत ही आसानी से बिना सोचे मैंने वो फोटो फ्रेम सैक्रिफाइस कर दिया, बिकॉज मुझे वो नॉमिनेशन में नहीं चाहिए थे, मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ. उन्होंने मुझे रेड जोन से निकाला, उसके लिए यू नो आई एम ग्रेटफुल, एंड उसी का जो रीपे करने का मुझे मौका मिला था मैंने तुरंत बिना सोचे समझे किया, बिकॉज उन्होंने भी मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया था एंड दैट वॉज टू रिमूव मी फ्रॉम द रेड जोन. सो आई थिंक उधर जाके आई थिंक हमारा जो स्कोर था वो सेटल्ड हो चुका था, मगर जब बात आई सामने से कुछ करने के लिए तब जो वो ऐसे मुकर गए ये बात मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बुरी लगी. बिकॉज अगेन उन्होंने वही काम किया जो निशांत ने किया, उन्होंने बहुत इजीली गिव अप कर दिया, एंड सबके पूरे घर के मन में यही था कि ये हफ्ते जो कैप्टन बनेगा उसे एक सदस्य को इम्यूनिटी देने का मौका मिलेगा, जो सलमान सर ने बाद में हमें एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं है. मगर तब तक सबकी सोच यही थी कि जो कैप्टन बनेगा ही विल यू नो बी द वन टू सेव, एंड 6 सदस्य नॉमिनेटेड थे. सो जैस्मिन का बहुत क्लियर था कि वो रुबीना को बचाएंगी, कविता का बहुत क्लियर था कि वो निक्की को बचाएंगी, एजाज भाई का जो था वो मेरे लिए था, एंड उन्होंने जब गिव अप कर दिया तब मुझे ये बात का बहुत दुख हुआ कि यू नो यू हैड वन चांस टू प्रॉबेबली सेव मी एंड यू गेव दैट अप. सो इस बात को लेकर मैं बहुत उदास होकर मैंने उनके खूब सारी झगड़े और यू नो लड़ाई की, एंड आई नो दैट द रीजन दैट आई वाज नॉमिनेटेड वाज अली, बट मुझे एजाज भाई के साथ इसलिए गुस्सा था मैं क्योंकि उन्होंने इतनी इजीली गिव अप किया. मुझे बहुत अच्छे से पता है कि रीजन अली है जिसके लिए मैं आज बाहर हूँ, मगर अली उतना मेरे ऑनेस्टली क्लोज था नहीं कि मैं उनको यू नो उनके साथ झगड़ा करूँ या उनके साथ भिड़ जाऊँ, बिकॉज आई कंसिडर एजाज भाई एज एन एल्डर ब्रदर. तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा हक था कि मैं छोटे भाई होने के नाते उनके साथ बात करूँ, उनसे झगड़े करूँ. बट एट द एंड ऑफ द डे जब मैं आ रहा था बाहर, सबसे ज़्यादा मैं एजाज भाई को भी पकड़ के रोया, बिकॉज जेन्युइनली मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं एज अ ह्यूमन बींग, एंड आई ट्रीट हिम एक्चुअली डू ट्रीट हिम लाइक एन एल्डर ब्रदर. सो आई थिंक जो था वो सॉल्व हो गया आते आते बाहर. ओके जान, आपकी मम्मी से हमने इंटरव्यू किया था और आई मस्ट से योर मदर इज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन और उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्गली आपको सपोर्ट किया है। जब आप घर से बिग बॉस घर से वापस अपने घर आए, वहाँ का क्या रिएक्शन था, मम्मा ने क्या कुछ
आपसे कहा? माँ वॉज वेरी इमोशनल व्हेन आई केम बैक, बिकॉज इतना टाइम मैं कभी घर से दूर रहा नहीं हूँ. मॉम ने मुझे बहुत हग किया, यू नो शी उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया. मेरे भाइयों ने भी मुझे बहुत यू नो दे वर वेरी एक्साइटेड अबाउट मी कमिंग बैक होम. ओरिजिनली मैंने 2 से 3 हफ्तों की जर्नी तय की थी, मगर मैं हाफ सीजन रह के आया. एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट जब मैं अपने फैमिली और अपने घर से इतना दूर रहा हूँ. यार इवन तो योर मदर सेड कि कभी मैं जान बिना अकेले नहीं रहती हूँ। हाँ कभी नहीं. एंड ये सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन था जब यू नो मेरी मॉम मेरे से इतना दूर रही. सो इट वॉज अ वेरी हैप्पी मीटिंग अगेन. एंड अभी भी मैं आदत में आ रहा हूँ, क्योंकि अब तक मेरे यू नो आदतों में बदलाव नहीं आया, बिकॉज आई वॉज इन द बिग बॉस हाउस फॉर सो लॉन्ग. मगर या मॉम बहुत खुश हुई एंड उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, बहुत प्यार दिया. अभी तो खूब पेट भर भर के खाना खिला रही है मुझे, मगर आई थिंक थोड़े टाइम बाद आई थिंक सब नॉर्मल हो जाएगा, बिकॉज अभी भी मैं वो बिग बॉस के जोन में ही चल रहा हूँ. ओके जान, आपके डैड कुमार सानू ने एक इंटरव्यू में कहा था, वीडियो क्लिपिंग में कहा था, आपकी परवरिश पे बात उठाई थी उन्होंने, जहां आपके मम्मा से मेरी बात हुई थी तो वो काफी सपोर्टिव और काफी स्ट्रांग वुमेन हमें नजर आई। लग रहा था कि उन्होंने बहुत स्ट्रांगली आपको आपकी परवरिश की है, और जिस तरीके से आपको हमने खेलते हुए देखा, हमें तो कभी परवरिश में कोई डाउट नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने परवरिश पर सवाल उठाया और आपके पर्सनल लाइफ भी कहीं ना कहीं बिग बॉस हाउस के अंदर खुले हैं। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? आई डोंट हैव एनी कमेंट्स एक्चुअली, बिकॉज मैं बहुत बहुत बार ये आंसर्स दे चुका. एंड आई थिंक इट वुड बी बेस्ट टू नॉट कमेंट ऑन दिस एंड लाइक यू नो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आई फील. ओके जान, फैंस से क्या कुछ मैसेजेस और क्या कुछ प्यार आपको मिल रहा है? आई एम गेटिंग सो मच पॉजिटिव मैसेजेस, इतना प्यार, इतना यू नो इट्स वेरी ओवरवेलमिंग. बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं, बिकॉज जब मैं घर में गया था तब मैं सिर्फ जान था. एंड अब जब मैं बाहर आया हूँ तो मुझे इतने सारे अच्छे अच्छे टाइटल्स मिले, बिग बॉस की जान, एंड यू नो इतना प्यार मिल रहा है मुझे. आई एम वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड. मैं अभी भी ये सब अब्जॉर्ब कर रहा हूँ, डाइजेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत बहुत अच्छे मैसेजेस मुझे मिले हैं, बहुत सारा प्यार मिला है. इट फील्स वंडरफुल कि इतने लोग मुझे इतना प्यार करते हैं. एंड आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ बिग बॉस, बिकॉज मैं जा पाया उस शो में एंड यू नो मैंने अपनी एक फैन फॉलोइंग गैदर कर ली, जो जो बहुत ही एक बड़ी बात है मेरे लिए. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल माई फैंस. आप लोगों ने 7 हफ्तों तक मुझे अंदर रखा बिग बॉस के घर में, उसके लिए आपको बहुत बड़ा थैंक यू देना चाहूँगा मैं. एंड आगे भी आप सपोर्ट करिए मुझे, बिकॉज मेरा बहुत सारा काम आ रहा है आप लोगों की तरफ. अच्छा म्यूजिक लेकर आ रहा हूँ मैं. सो आई थिंक I would like to give a big hug and a big thanks to all my fans. Okay, second last question, John. Big Boss House में राहुल शेट्टी ने nepotism का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद नेशन जो है वो काफी राहुल शेट्टी के स्टेटमेंट के खिलाफ हो गए थे. आपको कुछ इस पे कमेंट करना है कि आपने कहा था कि आप जो भी हैं वो आप अपने बलबूते पे आ रहे जी. आई थिंक इसका जो क्लैरिफिकेशन था और इसका जो एक्सप्लेनेशन था वो सलमान सर ने इतने ब्यूटिफुली दिया वीकेंड के बार पे, कि इसके ऊपर आई थिंक कुछ बात ना ही करे तो बेटर होगा. बिकॉज सलमान सर ने जब राहुल को समझाया, आई थिंक राहुल के साथ पूरा देश ये बात समझ गया है कि आई एम नॉट अ नेपो किड. जो आज मैं टर्म सुन रहा हूँ नेपो किड, मैं नेपोटिज्म का प्रोडक्ट हूँ नहीं. एंड ये बात सलमान सर ने बहुत ही ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया, बिकॉज उन्होंने यही कहा कि अगर मैं नेपोटिज्म का प्रोडक्ट होता तो आज मेरे सारे पिक्चरों में गाने होते एंड मैं बहुत बड़ा एक ऑलरेडी सेलिब्रिटी होता. एंड मुझे बिग बॉस का सहारा नहीं लेना पड़ता अपने आप को सबके सामने लाने के लिए. सो आई थिंक इससे काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म. एंड सलमान सर के एक्सप्लेनेशन के बाद आई थिंक इस बात पे कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने इतने ब्यूटिफुली एक्सप्लेन कर दिया कि आई थिंक पूरा देश समझ गया है इस बात को. So I'm very happy that he, Salman sir, ने मेरे लिए और मेरे साथ होकर you know, इस बात को सबके सामने क्लियर किया, बिकॉज ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे मैं बचपन से फेस करते आ रहा हूँ. सो आई एम वेरी हैप्पी. ओके जान, लास्टली फैंस ने इतना प्यार किया है उसके लिए आपकी एक प्यारी सी आवाज से गाना तो डेडिकेट हो जाए. मैंने हाल ही में गाना मेरा एक रिलीज हुआ है, इट्स कॉल्ड बे इंतहासा. तो मैं
ये गाना अपने फैंस के लिए गाना चाहूंगा, बिकॉज एक्चुअली मुझे आप लोग सबसे इतना प्यार है. सो मैं आप लोगों के लिए ये गाने के दो लाइंस गाऊंगा. सौ दफा देख लो फिर भी एक पल कम लगे, पास जो तू आई तो हर लम्हा सजने लगे, तू खुदा का नूर है, तू ही तो मेरा वजूद, बेइंतहा तू मुझ में बसा, बेइंतहा है इश्क तू, ओ वाओ, ब्यूटीफुल वॉइस जान, ब्यूटीफुल. होप आगे कई सारे म्यूजिक एल्बम आपके हमें सुनने मिले. थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच, फॉर द वेरी स्वीट, इंटरव्यू. थैंक यू.